केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, कभी आप पंडित नेहरू का अपमान करते हैं, कभी इंदिरा गांधी का अपमान करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम कहकर देश में आजादी की लड़ाई शुरू की, जिस वंदे कांग्रेस पार्टी ने आज देश इतना आगे आकर खड़ा हुआ है, आज आप उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलिए, आपका हक है। लेकिन जो आज हमारे बीच में नहीं है उनके लिए बोलने का हक नहीं है। आज अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, हम उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग करें वो भी गलत है। आदरणीय भैरू सिंह जी नहीं है, उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग करें वो भी गलत है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गलत बोले वो, आप वोट के लिए इतने नीचे स्तर पर आ गए, आप इतने बौखला गए कि आप कहते हैं कि सिर्फ मेरी सुनिए। इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हुआ है दुनिया में, उसका नाम है पहला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके बाद कोई राष्ट्रभक्त हुआ जिसने देश के लिए, भारत के लिए अपना बलिदान कर दिया, वो है मैडम इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री हाउस में जिनको 24/303 की गोलियां लगी और देश पर मर मिट्टी मर गई, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया, जाकर देखिए। किस इंदिरा गांधी की बात करते हैं? राजीव गांधी जो बलिदान हो गए, सरदार बेअंत सिंह, आप जिस दिन उंगली कटा ले उस दिन देश पर बोलिए, हम चाहते हैं जिस दिन लड़ने और मरने की बारी आएगी, हम लोग खुद सूर्यवंशी हैं, राजा राम के वंशज हैं, लड़के मर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में देश को नहीं बांटा जा सकता। देश तिरंगे का है, हम सबका अधिकार वोट मांगने का है। लेकिन हम वोट की खातिर ये नहीं कर सकते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ऐसा भेदभाव खड़ा कर दें कि देश के लिए संकट हो जाए। मौका है कि वोट को सोच समझ कर हम उन ताकतों के खिलाफ दें जिन्होंने वादा किया था। नोटबंदी बड़ा घोटाला साबित हुआ, राफेल डील में भ्रष्टाचार हो गया, विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, गैस महंगे हो गए। तो मंत्री प्रताप सिंह काजरेवास को आप सुन रहे थे, लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है इस वोटिंग को लेकर। हालांकि